हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में वी विल ट्राई टू नो हाउ टू बिकम प्रेग्नेंट या कंसीव कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी कपल के लिए जानना ये है, कंसेप्शन के पहले एक फेज होता है जिसे हम बोलते हैं प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन क्या होता है? यू नो, वन, यू नीड टू बी इमोशनली अटैच्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रेगनेंसी कोई मैकेनिकल प्रोसीजर नहीं है, हमको बस कल का कल बच्चा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप हमारे शास्त्र में पढ़ते हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांगली अटैच टू ईच अदर इमोशनली एज अ कपल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। साइमल्टेनियसली आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। ये हम काफ़ी लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं, एंड ऑब्वियसली उसके साथ में फीमेल पार्टनर एंड मेल पार्टनर के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने चाहिए। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब आती है बात एक्चुअल में कंसेप्शन की। सी, थोड़े से मिसकंसेप्शंस हैं। शादी होने के बाद में, मान के चलिए नॉर्मली लोग 6 months, 1 year, 2 years के बाद में जब कंसेप्शन प्लान करते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि शादी के अगर हम जब से हम कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं, अगर 2 या 3 महीने में कंसीव नहीं हुए तो कुछ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? और इमीडिएटली वो लोग डॉक्टर को मिलने चले जाते हैं। आपके लिए जानना सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ गुड टू हैव एटलीस्ट 6 to 12 months ऑफ अनइंटरप्टेड इंटरकोर्स, ओके? ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। कोई भी कपल को जिनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए 6 से 12 महीने का एफर्ट्स बहुत नॉर्मल बोला जाता है, तो प्लीज़ 1 महीना ट्राई किया, प्रेग्नेंट नहीं हुए, कंफ्यूज मत हो जाना। प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए ये सारे चीज़ों का। नॉर्मली ये देखा जाता है 6 से 12 महीने ट्राई करने के बाद में कपल्स जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं उसमें तकरीबन 50-60% ऑफ द कपल्स विल कंसीव नेचुरली। उनको कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं होती। ऑलराइट, दूसरा चीज, इट्स वेरी गुड टू ट्राई इन योर फर्टाइल पीरियड। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है और अगर आपके साइकिल्स जो हम MC बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलर है, तो रेगुलर साइकिल्स के साथ में इट्स गोइंग टू बी गुड टू हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट ऑन द 13th और 15th डे के बीच में, क्योंकि ये टाइम रहता है ओव्यूलेशन का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और फाइनली जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट वेन एवर यू आर हैविंग इंटरकोर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंटरकोर्स इज फॉलोड ईदर डेली, मतलब आप डेली संबंध बना रहे हैं या आप एवरी ऑल्टरनेट डे संबंध बना रहे हैं। काफ़ी लोग आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स को आके ये बोलते हैं, सर हमको पूरे महीने में एक ही दिन मिलता है ट्राई करने के लिए, यू नो, बाकी हमारे पास में टाइम नहीं है। देखो, अगर आपके पास में प्रेग्नेंट होने का टाइम नहीं है तो आप कैसे प्रेग्नेंट होने वाले हो? एकदम सिंपल चीज़ है ना। एंड अगर आपके पास में सिर्फ एक ही दिन है प्रेग्नेंट होने के लिए पूरे महीने में, तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ फ्लूक। वो मटका प्रेगनेंसी बोलते हैं, उसको प्रेगनेंसी का प्लानिंग नहीं बोलते। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि जब कभी भी अगर मैं फीमेल बॉडी का ऐसे यूट्रस ड्रॉ करूँ, तो आपको सबको पता है कि फेलोपियन ट्यूब्स के बाजू में रहता है ओवरी। अब ये ओवरी में से जब एग रिलीज होता है ना, ये जो एग रहता है ये जब यहां से रिलीज हो जाता है ओवरी के अंदर से, तो चला जाता है ट्यूब में। बट ये एग का फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी सिर्फ 12 या 14 घंटे तक रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कोई भी ह्यूमन एग कैन फर्टिलाइज ओनली फॉर 12 to 14 hours। इस 12 to 14 hours में ये एग का स्पर्म के साथ में मिलन होना या फर्टिलाइजेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए यूट्रस के अंदर हेल्दी स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आदमी
परफेक्टली टाइम नहीं कर सकता कि ये ओव्यूलेशन होगा कब, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताए कि सुबह को 12:04 पे ओव्यूलेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर साइकिल में ये वेरी होता है, इसीलिए स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए डेली या ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्पेशली आपके फर्टाइल पीरियड के अंदर। ये पूरा चीज अगर आप 1 महीने में करते हैं तो ऑन एन एवरेज 8-10% ऑफ द पीपल विल बिकम प्रेग्नेंट इन एवरी मंथ, मतलब हर महीने में 8-10% लोग ही प्रेग्नेंट होने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं मिनिमम 6-12 महीने, अगर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो 6-12 महीने का एफर्ट्स आपको लेना चाहिए और तो ही आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं या आप कंसीव कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बिफोर आई फिनिश, भगवान के लिए ऐसा मत समझिए कि आपने आपको टारगेट दे दिया है। प्रेगनेंसी कोई टारगेट नहीं है, सितंबर में मुझे प्रेग्नेंट होना ही है, अक्टूबर में मुझे प्रेग्नेंट होना ही है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके बॉडी में बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा एंड यू विल ओवरडू थिंग्स, आप अननेसेसरली अनवांटेड एफर्ट्स लेंगे। ऐसा मत होने दीजिए, ट्राई एंड बी रिलैक्स्ड। इफ यू आर गोइंग टू बी मेंटली रिलैक्स्ड, ये पूरे चीज में मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट प्री कंसेप्शन में भी दिया है, अगर आप मेंटली रिलैक्स्ड है एंड इफ यू आर ट्राइंग विदाउट प्रेशर तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज के वजह से बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। और जब भी स्ट्रेस लेवल कम रहता है तब ऑटोमेटिकली बॉडी अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकती है। इस चीज को लेके एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कॉमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।